मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी जनता को लुभाने के लिए चुनावी जंग कर रही हैं। सुमानी जंग कर रही हैं कि केवलारी से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भाजपा विधायक राकेश पाल सिंह के धमकाने वाले बयान पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक राकेश पाल सिंह बाहुबली, यदि वे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे गृह ग्राम आकर कोहराम मचाएंगे तो वहां की जनता मेरी रक्षा करेगी। भाजपा विधायक ने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कहा था कि अगर मेरे कार्यकर्ता पर उंगली भी उठेगी तो बर्रा में जाकर कोहराम मचाऊंगा। ईरानी गुंडों को लाकर यहाँ की सीधी साधी जनता पर दबाव बनाकर वोट लिया था, मेरे एक कार्यकर्ता के ऊपर भी एक हाथ उठेगा, बर्रा में जाके कोहराम मचाऊंगा। मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से मेरे साथियों ने मुझे अवगत कराया है और उन्होंने धमकी दी है कि वो बर्रा में आकर कोहराम मचाएंगे। हमारी इतने लंबे राजनीतिक जीवन में स्वर्गीय पिताजी के समय से लेके अभी तक कभी ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं रही कि हमने कभी ऐसा कोई डराने धमकाने का या बाहुबल का कोई काम किया हो। और उन्होंने एक वीडियो में मैंने भी देखा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से धमकी दिया है कि मैं कोहराम मचा दूंगा करके। तो अब देखते हैं, मैं तो सहज और सरल ढंग से अपने गांव में ही ग्रामवासियों के बीच में रहता हूँ। वो ज़रूर सिवनी शहर के हैं कि अगर वो कोई कोहराम मचाते हैं तो मेरे जीवन की और मेरे परिवार के जीवन की वो रक्षा करें, यही मेरी आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रार्थना है।